राजधानी दिल्ली बनी क्राइम कैपिटल। जी हां, दिल्ली में गोली चलना आम बात हो चुकी है। इससे पता चलता है कि दिल्ली में हर जगह अवैध हथियार मौजूद हैं, जहां बात बात पर गोली चल जाती है। ताजा मामला दिल्ली के कंझावला इलाके का है, जहां शुक्रवार सुबह बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता राजरानी और उनके बेटे नेत्रपाल को एक रिश्तेदार ने गोली मार दी। दोनों को घायल हालत में रोहिणी के सरोज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। गोली पता नहीं, पहले से वो काफी दिनों से धमकी दे रहा था कि जहाँ भी दिखाई दे दिया पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई है, सारी चीजें की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कौन धमकी दे रहा था? ये उन चाचा के लड़के हैं, भाई के। पुलिस के मुताबिक इनका अपने रिश्तेदार से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। बताया जा रहा है कि आरोपी फरार है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री, दिल्ली।